पकड़ी गई मलाइका अरोरा की चोरी। बेंगलोर की शर्मनाक घटना के बाद सभी ने इसकी जोरदार निंदा की थी और फिर इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोरा खान ने किसी और की पोस्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर अपने नाम से पोस्ट कर दिया था। बेंगलुरु में नए साल के मौके पर महिलाओं और लड़कियों से हुई छेड़खानी की खबर पर दर्शन मोंडकर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पोस्ट लिखी थी। मलाइका ने उस पोस्ट को कॉपी किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चिपका दिया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक काली तस्वीर भी पोस्ट की थी। लोगों ने मलाइका के मन की बात लिखने के लिए उन्हें खूब सराहा भी था। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया लिखा। मलाइका की पोस्ट पर 1000 से ज्यादा कमेंट और 26,000 से ज्यादा लाइक्स भी हैं। बाद में पता चला कि मलाइका अरोड़ा ने वो पोस्ट कभी लिखी ही नहीं थी, बल्कि पूरी पोस्ट एक फेसबुक यूजर की चुराई थी। दर्शन मोंडकर ने 3 जनवरी को फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी जिसमें महिलाओं से छेड़खानी पर नाराजगी जताई गई थी। पकड़ी गई मलाइका अरोरा की चोरी। बेंगलोर की शर्मनाक घटना के बाद सभी ने इसकी जोरदार निंदा की थी और फिर इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोरा खान ने किसी और की पोस्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर अपने नाम से पोस्ट कर दिया था। बेंगलुरु में नए साल के मौके पर महिलाओं और लड़कियों से हुई छेड़खानी की खबर पर दर्शन मोंडकर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पोस्ट लिखी थी। मलाइका ने उस पोस्ट को कॉपी किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चिपका दिया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक काली तस्वीर भी पोस्ट की थी। लोगों ने मलाइका के मन की बात लिखने के लिए उन्हें खूब सराहा भी था। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया लिखा। मलाइका की पोस्ट पर 1000 से ज्यादा कमेंट और 26,000 से ज्यादा लाइक्स भी हैं। बाद में पता चला कि मलाइका अरोड़ा ने वो पोस्ट कभी लिखी ही नहीं थी, बल्कि पूरी पोस्ट एक फेसबुक यूजर की चुराई थी। दर्शन मोंडकर ने 3 जनवरी को फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी जिसमें महिलाओं से छेड़खानी पर नाराजगी जताई गई थी।